गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय, आई एम डायरेक्टर ऑफ संजय इंग्लिश एकेडमी। आज हमारे टॉपिक है व्हाई एमबीए स्टडी इज नेसेसरी। एमबीए की पढ़ाई जरूरी क्यों होती है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एमबीए? एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अ मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? मास्टर का मतलब क्या होता है? ए परफेक्ट पर्सन हु कैन रन द बिजनेस, और मास्टर ऑफ अपने काम। पुराने समय से ही इंडिया में रहा है कि अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो नेक्स्ट उसकी जनरेशन बिजनेस करती है। अगर हम बात करें, आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज हर एक पर्सन मास्टर्स करना चाहता है, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल पे जॉब पे जाना चाहते हैं किसी ना किसी कंपनी में। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर एक पर्सन है, उसकी फैमिली बिजनेस कर रही है, तो बच्चा परफेक्ट हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ। अकॉर्डिंग टू दैट वो बिजनेस करने लग जाएगा, सीख जाएगा, अपनी फैमिली में रहते रहते बिजनेस को करना सीख जाएगा। तो लेकिन आज सिनेरियो ऐसा चेंज हो चुका है कि जो पर्सन आज जॉब कर रहे हैं, नाउ वी आर द वेल क्वालिफाइड पीपल एंड वी हैव द कंपटीशन एट द इंटरनेशनल लेवल, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। आज हम पूरे वर्ल्ड वाइड में बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारी जो स्टडीज है वो चेंज हो चुकी है। आज हम टेक्निकली स्टडी करते हैं, हम इंजीनियरिंग करते हैं, या अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करते हैं, तो एक आज एक वाइड बिजनेस हो चुका है हर एक। तो इंटरनेशनल लेवल पे आज हमें कंपटीशंस करने के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। पहले वाला सिनेरियो नहीं रहे क्या? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन मतलब है कि अगर एक पर्सन आज एक ग्रेजुएशन कर लेता है और वो आईआईटी होल्डर है या कोई इंजीनियर है, और नेक्स्ट वो अपनी प्रमोशन एक डायरेक्टर लेवल पर या एमडी लेवल पर देखना चाहता है किसी कंपनी में, तो उसे एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए उस सारे कंपनीज को संभालने की या उसके बिजनेस को देखने की, हम किस प्रोफाइल में वर्कआउट करते हैं। तो वहां आपका हेल्प करता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है प्रशासन। मास्टर इन बिजनेस, बिजनेस में आपकी परफेक्शन, आप परफेक्ट है और आप उस प्रशासन को चला सकते हैं। ये तो बात हुई कि व्हाई द एमबीए स्टडीज नेसेसरी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स आते हैं, क्या क्या चीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं जो इस पर्सन को समझना होता है, एमबीए की फुल स्टडी में क्या क्या सीखा जाता है। हम बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट्स की। अब बात आती है कि एमबीए में कौन कौन से स्टडीज कराई जाती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम समझते हैं। हम बात करते हैं मार्केटिंग, हमें सब्जेक्ट मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें सेल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें फिनांस की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें लॉजिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें एचआर की भी नॉलेज होनी चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें एमआईएस की भी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात करते हैं कि हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों है। या मैंने सबसे पहले डिवाइड किया मार्केटिंग एंड सेल्स। कुछ लोग मार्केटिंग और सेल्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं कि सर ये एक ही चीज है। नो, मार्केटिंग कम्स बिफोर द सेल्स। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, दैट इज द मार्केटिंग इज द मेन कंसेप्ट देयर, वेयर वी हैव टू लॉन्च द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, फिर हम बात करते हैं उसके सेल्स पे कि सेल्स कैसे की जाए। ये बहुत वाइड चीज है जो एक एमबीए में सिखाई जाती है। बोथ आर डिफरेंट, द मार्केटिंग एंड द प्रमोशन, लॉन्च द प्रोडक्ट इन द मार्केट
लो इज द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. रिसर्च एनालिसिस इंक्लूड, हम रिसर्च लेते हैं इसमें कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, हमने उस पर रिसर्च किया उसकी डिमांड क्या रहेगी, क्या वाक्य ही मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. तो पहला हमारा कंसेप्ट आता है मार्केटिंग, कई तरीके से थ्रू होती है. अभी जरा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग, सेल्स, फिनांस, लॉजिस्टिक्स, एचआर डिपार्टमेंट, द एमआईएस. अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग में क्या क्या रहेगा. अब मार्केटिंग आपकी होगी कैसे, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन. तो आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रमोशन, तो कई तरीके से हो सकती है. थ्रू द टीवी एड्स, एडवर्टाइजमेंट, आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं. डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट प्रमोशन, पर्संस जाता है पर्संस के घर और उन्हें एक सैंपल देता है या एक पाउच देता है गिफ्ट के रूप में कि आप इसको यूज करके देखें. ये क्या है, ये अभी प्रमोशन का पार्ट है. यह डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली We have to go through the advertisement, TV advertisement, radio advertisement, hoarding में भी there hoardings लगे होते हैं. आपने देखा होगा कई बार hoardings लगे होते हैं कि अब एक नया product market में launch होने वाला है. तो सबसे पहले हम एक chemistry बना देते हैं लोगों के बीच में कि कुछ नया product launch होगा. जैसे आप Apple का देखते हैं, Apple को तो नहीं नया product launch होगा इसका, तो लोग क्या होते हैं, लोग सोचते हैं यार क्या है ये. उन्होंने अपने मार्केटिंग फंडा को बनाया है और लोग सबसे पहले एप्पल का आईफोन लेने पहुंच जाते हैं जब भी उनका कोई नया आईफोन लॉन्च होता है. उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स के लिए. अब जब सेल्स की बात होती है तो प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो हमें यह होता है कि प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाएगा. क्या हम इसको डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एमएलएम, एमएलएम इज आल्सो कंसेप्ट फॉर द डायरेक्ट मार्केटिंग. एमएलएम कहती है कि हम सीधा कस्टमर तक पहुंचेंगे और जो बेनिफिट है वो मैं अपने एम्प्लॉइज को दूंगा. अगर वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचते तो कंपनी क्या करती है, वो जाती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रिटेलर्स के पास और वहां अपने प्रोडक्ट को बेचती है. अब डिस्ट्रीब्यूटर और जब आपने रिटेलर को बीच में रखा तो नेचुरल बात है कि आपको उसको भी कुछ शेयर देना पड़ेगा. तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि कंपनी को भी प्रॉफिट हो और रिटेलर्स को भी प्रॉफिट हो और डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट हो. ऐसा ना हो कि ये दोनों ज्यादा बेनिफिट से कंपनी को लॉस हो रहा है. कंपनी इस तरीके से सारी चीजें, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो प्राइसिंग पॉलिसीज के ऊपर ध्यान रखती है. अब ये प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती है, प्राइसिंग पॉलिसीज होती है प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, हम उसे किस कॉस्ट में बेच सकते हैं ताकि वो प्रोडक्ट कंपनी को प्रॉफिट दे. तो कंपनी इसमें अपना मार्जिन भी रखती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी प्रॉफिट रखती है, मार्जिन रखती है, प्लस रिटेलर्स का भी मार्जिन रखती है. तो प्राइसिंग पॉलिसीज इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर गोइंग टू लॉन्च ए प्रोडक्ट इन द मार्केट. जब मार्केट में हम किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो हमें प्राइसिंग पॉलिसीज पे भी ध्यान रखना है. तो अभी हम आ रहे थे मार्केटिंग, प्रमोशन, सेल, प्राइसिंग, सब एक दूसरे से कोरिलेट है. प्रमोशन में क्या आता है, डायरेक्ट प्रमोशन. अब जब आप डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे हैं तो आप में क्या होना चाहिए, जो पर्सन आप रखेंगे ही मस्ट हैव द गुड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ही मस्ट हैव द गुड पर्सनालिटी अबाउट टू टेल द अबाउट द प्रोडक्ट, ही हैव द गुड कॉन्फिडेंस लेवल दैट ही कैन रिप्रेजेंट हिज प्रोडक्ट इन अ राइट वे. सो आज हम बात करें पूरे एक एमबीए के बारे में.
बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बड़े समझेंगे क्या है और बहुत आसान समझेंगे। अभी जैसे हम बात करते हैं प्रमोशंस पे, कह दिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग मस्ट हैव द गुड पर्सनालिटी, द पर्सन हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं सेल्स में, अब हम जरा जाते हैं तो सेल्स की प्रमोशन कहां से होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू होती है। तो यहां जो डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू प्रमोशन होती है, यहां भी उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो सेल कर सके, फाइनल सेल। अल्टीमेटली गोल क्या होता है कंपनी का, प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना ही फाइनल गोल है कंपनी का, टू अर्न द प्रॉफिट। फिर सेकंड आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जाने के लिए अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, एक चीज को और ध्यान करना पड़ेगा, दैट इज द लॉजिस्टिक। अब आ गया लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, लॉजिस्टिक्स मतलब होता है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट, आपका सामान कैसे जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर तक, समय पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। आपने डिमांड तो कर दी, लॉन्च कर दी, मार्केट बहुत अच्छी कर दी, मार्केटिंग बहुत अच्छी कर दी, प्रमोशन बहुत अच्छी कर दी, और आपने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन आपका प्रोडक्ट समय पर नहीं पहुंच पाया। द पीपल आर कमिंग टू बाय द प्रोडक्ट बट यू कांट बी एबल टू सेंड दैट प्रोडक्ट, और यू डोंट हैव टू मेक द अरेंजमेंट एट दैट टाइम। आप अरेंजमेंट नहीं कर पाए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाने के लिए, डिमांड तो आ रही है लेकिन आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहा, आपकी लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी, एक अच्छी प्रमोशन और मार्केटिंग होने के बाद भी मार्केट में लॉन्च नहीं हो पा रहा। तो आप जब इन चीजों पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, मार्केटिंग भी देखनी है, प्रमोशन भी देखनी है, सेल्स भी देखनी है, लॉजिस्टिक्स भी देखनी है। मैंने कहा कि एमबीए पढ़ाया क्यों जाता है, एमबीए इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपका प्रोडक्ट्स कहां मार्केट में लॉन्च हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन हो गया, सप्लाई चेन मतलब प्रोडक्ट मार्केट में जाता रहे, डिमांड आती रहे और प्रोडक्ट समय पर पहुंचता रहे, तभी तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, मार्केट में उसकी डिमांड होगी। आए समझ। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप जाते हैं और हम क्या सीखते हैं मार्केटिंग, इसके अंदर एमबीए के अंदर मार्केटिंग का फंडा देख लिया, प्रमोशन देख लिया, सेल्स देख लिया, और उसके बाद लॉजिस्टिक्स देख लिया, सप्लाई चेन, प्राइसिंग पॉलिसीज देखी कि क्या लॉन्च होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए ताकि सबको एक प्रॉफिट मिले। तो ये जो एमबीए करते हैं पर्सन, जो इंजीनियर इंजीनियरिंग भी करते हैं, दे आल्सो लर्न अबाउट ऑल दोस थिंग्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप जाता हूं मैं इसका, एचआर। एचआर एक बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है एचआर भी। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब एचआर डिपार्टमेंट जाते हैं, एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे चलेगी, हमारा एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जो स्पेशली डेवलप करता है ह्यूमन रिसोर्स को। अब आ गया नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ये पढ़ लिया ना, समझ लिया आपने, आधी एमबीए समझ ली और आधी एमबीए कर ही ली। तो बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसका काम होता है कंपनी में इंप्लॉइज को सेलेक्ट करना। अब रिक्वायरमेंट्स है कई डिपार्टमेंट्स की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें पर्सन चाहिए, सेल्स है उसे पर्सन चाहिए, मार्केटिंग है उसको चाहिए, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसको चाहिए पर्सन, वो सब किससे डिमांड करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट से डिमांड की जाएगी कि हमें इंप्लॉइज चाहिए। अब एचआर क्या करेगा, एचआर प्रोडक्शंस के लिए किस तरीके के पर्सन चाहिए, उसे चाहिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल हो गया, ठीक है जी, टेक्निकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल पर्सन हो गया जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सेल्स के लिए, सेल्स में वो क्या देखेगा,
जिस पर्सन का एक्सपीरियंस ज्यादा है, गुड सेल्स स्किल, गुड स्किल्स, सेल्स स्किल हो जाएगी, जिसकी एक अच्छी सेल्स स्किल है, ठीक है, तो वो चाहिए जो सेल को कर सके प्रॉपर स्किल है। मार्केटिंग में अच्छा प्रमोशन स्किल हो, स्ट्रैटेजी अच्छी बना सके, जिसके स्ट्रैटेजी स्किल अच्छी है कि प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च किया जाता है, लॉजिस्टिक्स के लिए एक ऐसा पर्सन जो परफेक्ट हो, कम अमाउंट्स में आपके लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सके, क्योंकि कॉस्ट जो जाएगी वो लॉजिस्टिक्स भी तो काउंट होगी कि आप प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं मार्केट में, तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी ज्यादा हाई ना हो जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है इन सब के लिए, इन सब पर्संस को सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसमें एक प्रोसेस रहता है, रिक्रूटमेंट, ये पहले क्या लेगा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग के बाद फिर इसको इंडक्शन देगा, जब पर्सन हो जाएगा इंडक्शन होगा, ठीक है, देन उसको डिपार्टमेंट में भेजेगा पर्सन को, तो एक पूरा ओवरऑल वो चीजों को देगा उसको, यहां चाहिए रिक्रूटमेंट, वो रिक्रूट करेगा पर्सन को, रिक्रूट करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, क्या करेगा, एप्लीकेशन इनवाइट हो जाती है, फिर आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, आप इंट्रोड्यूस लेते हैं, कई बार डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, और कई बार क्या होता है आपका डिपार्टमेंट से ही किसी पर्सन को अपर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है प्रमोट करके। तो रिक्रूटमेंट भी कंपनी कई तरीके से करती है, या तो इंटरनल करती है या आउटसोर्सिस से करती है। अब आउटसोर्सिस से क्या हुआ, आउटसोर्सिस से किसी ना किसी कंपनीज को कहती है कि हमें इंप्लॉइज चाहिए, तो आप इंप्लॉइज दें, तो वो जो आउटसोर्सिस होते हैं वो वहां से इंटरव्यूज कंडक्ट करके कंपनीज के पास भेजती है। बेनिफिट क्या होता है, कंपनी की तो एक तो कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है कंपनी का, और वो वर्क उनको देती है जो स्किलफुल होती है एचआर कंपनीज, तो अच्छा इंप्लॉइज दे सकती है, तो इनफैक्ट टाइम पीरियड्स बताती हैं। तो कई बार इंटरव्यूज क्या होते हैं, कैंपस इंटरव्यूज आपने सुना होगा, जैसे सैमसंग जैसी कंपनियां हायर कंपनियां, वो डायरेक्टली जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं वहां से रिक्रूट करते हैं, वहां से इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो यहां से एचआर का वर्कआउट शुरू हो जाता है। अब जब यह इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग उसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, कंपनीज के बारे में बताया जाता है, उसको उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है कि आपको किस तरीके के जॉब प्रोफाइल है और आपने ज्वाइन किया किस तरह की कंपनी, कितनी पुरानी कंपनी है, तो he must have the knowledge about the company जहां पे वो वर्कआउट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने अब क्या करेगा, ये आपको रिक्रूट करके आपका सैलरी डिसाइड करता है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करता है, आपका डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए आपको रिक्रूट किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, फिनांस बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, अब इसका काम क्या है, इसका होता है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कोशिश होती है कि कम लगाया जाए, कल खर्चा हो और ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि फाइनेंस होगा, बजट होगा, तभी तो आप एक कंपनी को चला पाएंगे। तो कंपनी अपने जो अमाउंट को, इस बजट को इस तरीके से बनाती है
वो हर एक डिपार्टमेंट को एलोकेट करती है कि हमारा ये बजट है, आपको इतने बजट्स के अंदर जो है अपने डिपार्टमेंट्स को रन करता करना है। मैं किसी 10 लाख वाले पर्सन को तो एकदम फाइनेंस पे भी नहीं ले जाऊंगा, मेरा बजट नहीं होगा तो। मैं मार्केटिंग के लिए किसी 1 करोड़ वाले पर्सन को तो नहीं रख लूंगा। तो मैंने अपने बजट्स को देखना है, जो मुझे बजट्स एलोकेट किया गया है, और मुझे ये भी देखना है कि मेरे रॉ मटेरियल्स के लिए कितना मुझे अमाउंट मिल रहा है, मेरे कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं, मेरी कितनी यूनिट्स बन रही हैं, रॉ मटेरियल से मुझे कितना एक्सपेंस करना है, मुझे कितने एम्प्लॉयज रखने हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज की कॉस्ट भी वहां आएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने में ही आपकी कॉस्ट लगेगी। और आपने तो बना दिया प्रोडक्ट्स, अब आपको किसने क्या, सेल्स एंड मार्केटिंग वाले ने भी कहा कि इतने बजट जो आया, इतना जो आया, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, तभी हम इसको आगे लॉन्च कर पाएंगे। कॉस्ट हो जाए ज्यादा और मार्केटिंग और सेल्स इतनी आ नहीं रही, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो फाइनेंस का कुछ कुछ पार्ट सब डिपार्टमेंट्स को बताया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों एचआर को सिखाया जाता है? क्योंकि एचआर जब रिक्रूट कर रहा है तो उसे ऐसे इंप्लॉयज रिक्रूट करना है जिनका सैलरी पैकेज एकदम हाई और कंपनी उतना अफोर्ड ना कर सके। मार्केटिंग और सेल्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाए तो फाइनेंस आपको एक पर्टिकुलर बजट दिया जाता है, तो आपको भी सिखाया जाए, आपको भी बताया जाए कि फाइनेंस इतना है, हमारा बजट इतना है, तो इतने बजट के अंदर आपको इतने इंप्लॉयज रखने हैं, इतनी सैलरी का इंप्लॉयज रखना। तो जब आप अपने इंप्लॉयज को रखते हैं तो सेल्स वाला क्या करता है, वो अपने इंप्लॉयज को फिर आगे एक टारगेट दे देता है मार्केटिंग वाले को कि इतने आप मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तभी मैं अपना बजट मेंटेन कर पाऊंगा, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन कर पाऊंगा, मार्केटिंग में कितने बंदे रखने हैं वो मैं मेंटेन कर पाऊंगा। मैंने कर दिया 100% और वो सेल ही नहीं जा रही, कोस्ट तो हो जाएगी ना। इसलिए कभी देखना मार्केटिंग वाले क्या कर देते हैं, मार्केटिंग वाले टारगेट ओरिएंटेड जॉब देते हैं कि इतना टारगेट होना चाहिए, इतना आपकी सैलरी हो मिलेगी। तो वो क्या कर रहा है, वो इक्वल टू, वो भी एक फाइनेंस की बात कर रहा है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, क्योंकि उसे अपना उस प्रॉफिट ही तो देना है आगे जाके, क्योंकि फाइनेंस आएगा, पैसा आएगा, तभी तो कंपनीज रन करेंगी। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिपार्टमेंट पे, प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन का क्या होता है, प्रोडक्शन एक वो जगह है जहां पे यूनिट्स बननी शुरू होगी। यहां प्रोडक्शन मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन किसके साथ रिलेट करेंगे, मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को रिलेट करूंगा मार्केटिंग एंड सेल्स के साथ। सेल ज्यादा होगी, मार्केटिंग अच्छी होगी, यूनिट्स ज्यादा बननी होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये टाइम पर यूनिट्स क्रिएट करनी होगी। और ये किसको सीखना है, पर्सन जो एमबीए कर रहे हैं उन्हें ये सीखना है, ये डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को समझना है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी उन्होंने देखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर यूनिट्स आ रही है कि नहीं आ रही, टाइम पे चीजें जा रही है कि नहीं जा रही, इतने वेरिएबल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, इतना सामान बन गया, मार्केट में डिमांड जा रही है कि नहीं, सप्लाई चेन जा रहा है कि नहीं, लॉजिस्टिक्स प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये सारी नॉलेज उसे होती है। तो एमबीए वाले को हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप ये देखिए कि कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट उसकी प्रॉफिट दे, प्रॉफिट से नीचे प्रोडक्ट जाएगा तो वो नुकसान करेगा, आपको एक लेवल ब्रेक इवन पॉइंट कि उसके बाद प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स नहीं आप लॉन्च कर रहे हैं। तो वो हर एक सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है एमबीएस पर्सन को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमने समझा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट्स को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूनिट्स को जो आपकी डिमांड आएगी, और उसे फाइनेंस से पैसा मिल रहा है, रॉ मटेरियल का पैसा मिल रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको लॉन्च करता जा रहा है, प्रोडक्ट्स को बनाता जा रहा है, और वो मार्केटिंग और सेल्स वाले उसको सेल करते जा रहे हैं मार्केट में। अब आ गया लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, लगा रहे इंटरेस्टिंग, मैं आपको सारा इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूं। अब लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का भी क्या पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट,
अब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्या करेगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाएगा और सप्लाई चेन को लेके चलेगा। मींस मैंने एक एग्जांपल दिया कि मार्केटिंग वाले ने क्या किया, प्रोडक्ट कर दी सेल कर दिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, सेल्स वाला सेल कर रहा है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, बढ़िया सा काम कर दिया और प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छा लॉन्च कर दिया। लेकिन लॉजिस्टिक वाला उस सामान को जब डिमांड थी वहां पहुंचा ही नहीं पाया। मैं बात करूं, मान लो मैं पंजाब में या किसी भी इंडिया के किसी भी एरिया के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूं, मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, सेल्स भी बड़ी अच्छी हो जाती है, डिमांड आनी शुरू हो जाती है, मैं ऐड देता हूं टीवी में, खूब लोग शॉप पे पहुंच रहे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, लेकिन लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उसको 5 दिन बाद पहुंचा रहा है। अब जो यहां क्लाइंट था, फाइनल क्लाइंट, वो तो चला गया ना, अब वो वापिस थोड़ी ना आएगा, वापिस नहीं आएगा ना। गलती कहां गई, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की आ गई, सप्लाई चेन की आ गई, कि सप्लाई चेन ने लॉजिस्टिक्स को सामान नहीं भेजा, लॉजिस्टिक्स वाला आगे नहीं पहुंचा पाया। तो इन सबको कोरिलेट करना पड़ता है, आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, मार्केटिंग को, सेल्स को, फिर आपके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, कि सेल आ रही है तो उसी टाइम डिमांड होनी चाहिए, नहीं तो मार्केट में कंपिटिटर्स बहुत हैं, कोई और आपकी मेहनत को खत्म कर देगा, खा जाएगा आपकी मेहनत को। तो मैनेजमेंट में ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं आपको। फिर आता है आपका MIS, MIS इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर आप अपडेट रहते हैं हर चीज को, कि आपने पूरी रिपोर्ट बनाई कि आपको क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या से बनानी है, कैश काउस, मतलब हमेशा आपको प्रॉफिट ही लेके चलना है, अपने प्रोडक्ट्स को हमेशा प्रॉफिट में ही लेकर चलना। तो MIS डिपार्टमेंट एक पूरी की पूरा एक डिटेल्स बनाता है कि हमें कहां प्रॉफिट है, और ये MIS डेली आपके अपडेट होता है, इंफॉर्मेशन अपडेट होती है कि आज हमने कितने का बिजनेस किया। कंपनीज पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, टुडे वी आर गोइंग एट द ग्लोबलाइजेशन, नेस्ले हो गई, जितनी कंपनी, डेली अपने सेल्स को देखते हैं कि कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना वो कंपटीशन में और अपने प्रोडक्ट को कितना बेटर लॉन्च कर पा रहे हैं और मार्केट में कहां है। तो MBA की रिक्वायरमेंट इसीलिए रहती है, तो इसलिए चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, या कोई टेक्निकली कोर्स कर रहे हैं, तो आप अगर मैनेजमेंट लेवल में जाएंगे तो आपको MBA का कोर्स करना होगा, जो आपके वर्क के लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं ऐसे ही ब्यूटीफुल वीडियोस लेकर आऊंगा, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा YouTube चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मैं एक्स लेक्चरर रह चुका हूं IIM मैनेजमेंट कॉलेज ग्रेटर नोएडा का, एंड आई हैव अ स्पेशलाइज्ड पर्सन एंड आई हैव 19 ईयर एक्सपीरियंस इन टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो किसी तरीके से मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपको सजेशन लेना, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368172957। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 8368172957। और मैं रिक्रूटमेंट में भी रहा हूं, ट्रेनिंग्स पे भी रहा हूं, इंप्लॉइज ट्रेनिंग्स पे रहा हूं, तो बकायदा मैंने इंप्लॉइज को ट्रेन किया और आई एम वर्किंग इन ए वेरियस फील्ड, एंड माय बेसिक एम वाज टू गिव द परफेक्शंस टू द वर्ल्ड। काम को आपने परफेक्शन देना है। अब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, आप भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब कराएं और अपने नॉन पर्सन्स को भी सब्सक्राइब करें जिनको इस तरह के सजेशंस के रिक्वायरमेंट है। आप और हम मिलकर ही एक नई चीज को लॉन्च कर सकते हैं, एक नई चीज को समझ सकते हैं, दूसरे को सजेशंस दे सकते हैं और बेटर कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आपका फ्रेंड हमेशा आपके साथ रहेगा, फ्री टू कॉल, आप फ्री हैं मेरे से बात करने के लिए, किसी भी तरह के सजेशन लेने के लिए। इसलिए मैं अपना नंबर एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, माय नंबर इज 8368172957। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली,
दिस इज माय यूट्यूब चैनल और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।